हाँ जी बच्चों, तो अब क्या है, हम लोगों ने एमटीपी सॉल्व कर रहे थे। एमटीपी में ओल्ड जो सिलेबस है उसका हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया। अब 3, 4, 5, 6 खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा है, स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मर्जर एंड एक्विजिशन का है। और सुनो, पीएमए ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस के एमटीपी में भी डला हुआ है और ओल्ड सिलेबस के एमटीपी में भी डला हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। सर क्वेश्चन देखिए कि क्या है। यस, लिखा है 3A एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड स्टडी द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ वाई लिमिटेड। X लिमिटेड किसको खरीदना चाहता है? X लिमिटेड खरीदना चाहता है Y लिमिटेड को, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द कंपनी, दोनों कंपनी की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। X लिमिटेड का मार्केट कैप दिया हुआ है, ठीक है जी, मार्केट कैप, मार्केट कैप दिया है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाला जा सकता है। जीपी रेशियो दे रखा है 20%। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्यों दिया पता नहीं। डेटर टर्नओवर रेशो भी दे रखा है, डीटीआर पता नहीं। एक जमाने पहले सीए इंटर में आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्टॉक एसटीआर बोलते थे, और डेटर टर्नओवर रेशो। डिबेंचर इस कंपनी में 10 लाख के 12% और इस कंपनी में 40,40,000 के 10%। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, टैक्स का रेट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेटर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना है आपको क्या मांगा है, स्वैप रेशियो। किसके बेसिस पे बोले, ईपीएस के बेसिस पे और एमपीएस के बेसिस पे। वेट कितना लेना है, 40% और 60%। अब स्वैप रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि ईपीएस के बेसिस पे है तो हमें ईपीएस चाहिए और ईपीएस तो निकालना पड़ेगा, ईपीएस दिया नहीं है। तो ईपीएस के लिए अब हमारे पास, हमें क्या चाहिए, सेल्स। एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जैसा अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस निकल जाएगा। पर सर सवाल ये है कि इसके लिए हमें चाहिए सेल्स या ईबीआईटी, ईबीआईटी तो दिया नहीं है, सेल्स। तो अब सेल्स कहां से लें। अब सेल्स के लिए बेटे 2 टर्नओवर रेशो दे रखा है, एक कौन सा क्लोजिंग स्टॉक टर्नओवर रेशो और कौन सा डेटर टर्नओवर रेशो। दोनों ही रेशो को यूज करके टर्नओवर निकाला जा सकता है, लेकिन डेटर टर्नओवर को रेशो को यूज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स निकलेगा। इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए काम की नहीं है। मैं किसको यूज कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इससे मेरा टोटल टर्नओवर, टोटल सेल्स निकल जाएगा, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे कैश हो। कुछ बच्चों का कहना कि नहीं सर हमें तो एवरेज स्टॉक, भाई टर्नओवर रेशियो में एवरेज डेटर्स या एवरेज स्टॉक का यूज करते हैं। बेटे सीए इंटर में आपको टीचर ने समझाया होगा, अगर एवरेज नहीं दिया है सिर्फ क्लोजिंग दिया है तो सिर्फ क्लोजिंग को यूज करो, ठीक है। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला क्या है, वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर क्या हुआ मुझे ये बताया गया था, मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि टर्नओवर रेशियो होता क्या है, मैं इतना बता सकता हूँ फॉर्मूला। तो मुझे कैसे रटवाया गया था, मुझे ऐसे रटवाया गया था कि टर्नओवर रेशियो जितने भी है ऊपर टर्नओवर होगा। सर सर सपोज डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय डेटर्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, टर्नओवर डिवाइडेड बाय स्टॉक। अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का, टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। जितने भी टर्नओवर रेशो है ऊपर टर्नओवर रहता बेटे, ये रटने वाली बात नहीं है, हालांकि मैं यहां रटवा रहा हूं। ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, रेशियो एनालिसिस में तो बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा, पर अभी कौन सा यूज कर रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो फॉर्मूला क्या बना, इन्वेंट्री टर्नओवर, टर्नओवर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अब टर्नओवर में कभी क्रेडिट सेल्स लेना भी पड़ सकता है डेटर से, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में आप टर्नओवर की जगह क्या यूज करते हो, सीओजीएस, इसलिए सीओजीएस डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके सर, अब सुनना ध्यान से,
आपने दोनों ही कंपनी का क्या टर्नओवर रेशियो दिया है? यस, इसका कितना दिया है? 5 times, इसका कितना दिया है? 4 times. तो आपने फटाफट से, क्योंकि इसका स्टॉक मालूम है, इसका स्टॉक मालूम है, तो आपको क्या निकल गया? COGS निकल गया. और COGS कितना आया? इसका आया 75 lakh और इसका आया 20 lakhs. यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 50 lakh नहीं, यहाँ 5 lakh है. ठीक है, ओके सर, यहाँ तक बात हो गई सर. अब आगे क्या करना है? अब आपका COGS निकल गया और आपको GP रेशियो दिया है 20%, तो COGS कितना हो जाएगा? 80%. तो सीधी सीधी बात है, 75 lakh डिवाइडेड बाय 80%, तो ये आ गया टर्नओवर 93,75,000 और ये आ गया टर्नओवर 25 lakhs. इसके बाद क्या हो रहा है? बस अब इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं. सेल्स दिया हुआ है, निकाल लिया आपने सेल्स. इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंट? 86%. ये भी दिया हुआ है, कहाँ दिया था? इसका 86% और ये कितना है? 78%. तो EBIT आएगा, लेस क्या करोगे? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट के लिए डिबेंचर 10 lakh का 12%, तो यहाँ माइनस हुआ 1,20,000 और 14,40,000 का 10%, तो यहाँ कितना माइनस हुआ? 1,44,000. EBT आ गया, टैक्स माइनस करिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया. ठीक है जी सर. अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया है आपका. अर्निंग आफ्टर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ? ये दिया नंबर ऑफ शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड किया आपने अर्निंग आफ्टर टैक्स को, तो ये क्या आ गया आपका? EPS. और MPS के बेसिस पे तो ये है मार्केट कैप, और डिवाइड किससे करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स से, तो ये आ गया MPS. और आपको स्वैप रेशो किस किस बेसिस पे निकालना? EPS डिवाइडेड बाय EPS बेसिस पे और MPS बेसिस पे. तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं, EPS किसका? वेंडर कंपनी का, जिसको हम खरीद रहे हैं, डिवाइडेड बाय EPS ऑफ परचेसिंग कंपनी. ये तो हमको फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. तो ये इन्होंने निकाल लिया. कैसे निकाला? टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय एक्वायरिंग कंपनी. ओके, तो EPS कितना है? EPS है ये 4.74 डिवाइडेड बाय 8.34. तो ये EPS आ गया EPS बेसिस पे, और ये किस बेसिस पे? MPS बेसिस पर. तो उस हिसाब से EPS बेसिस, MPS बेसिस, और यहाँ वेट कितना? 40%, यहाँ कितना? 60%. तो ये आ गया स्वैप रेशियो 1.427. इसका मतलब है कि हम सामने वाली कंपनी के एक शेयर के बदले में कितने शेयर्स देंगे? 1.427. ये क्वेश्चन था इसमें. अच्छा सर, तो सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई. उसके बाद ये तो वैसे भी हमसे बन ही जाना था, पोस्ट मर्जर EPS मांगा है. तो पोस्ट मर्जर EPS में कोई समस्या आपको नहीं होती, ये आपका इंस्टीट्यूट का आंसर, पोस्ट मर्जर EPS. कंबाइन अर्निंग, दोनों की अर्निंग को कंबाइन कर लेंगे, डिवाइडेड बाय ये इसकी अर्निंग थी, इसकी अर्निंग, 1 lakh share इसके और सामने वाली कंपनी के 60,000 के बदले में. ये कहाँ से ला लिया भाई? ये गड़बड़ है, यहाँ होना चाहिए 1.427. कैसी गड़बड़ कर दिया यार, 60,000 × 1.427 8.5. ओहो, बस यहाँ मिस्टेक मिसप्रिंट है, बाकी ये सही है. तो ये आ गया पोस्ट मर्जर EPS. ठीक है, सिंपल था. इट मीन्स जो इस क्वेश्चन में कहानी थी, बस वो एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने की स्टोरी थी, बाकी तो क्वेश्चन में कोई कुछ था ही नहीं. ये आ गया पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस. प्राइस अर्निंग रेशियो बोले वो एक्स लिमिटेड का ही यूज करना है. तो एक्स लिमिटेड का प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है जी? प्राइस अर्निंग रेशियो MPS डिवाइडेड बाई EPS. एक बार चेक कर लूँगे प्राइस अर्निंग रेशियो. प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ देख लेते कितना है. प्राइस अर्निंग रेशियो निकाला है क्या? नहीं निकाला. इसमें निकाल कर दिया है कि इसमें भी नहीं दिया, तो चलो निकाल लेते हम लोग. MPS एक्स लिमिटेड का MPS कितना है? 75 डिवाइडेड बाय 8.99. तो ये आ गया 8.343. दिस इज प्राइस अर्निंग रेशियो. ठीक है सर, तो 8.343 लिखा होगा. हाँ, 8.99 × 8.99 कहाँ से है? प्राइस अर्निंग रेशियो कितना निकल रहा है भाई? कहाँ गड़बड़ हुआ, एक बार देखना पड़ेगा. ये प्राइस अर्निंग 75 डिवाइडेड बाय 8.99. ओके. ठीक है जी, बात समझ में आ गई. 8.99 से मल्टीप्लाई कर दिया EPS को, तो ये आ गया हमारा पोस्ट मर्जर MPS.
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट मर्जर एमपीएस भी आ गया 6.03, ये आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस है, उसको 8.99 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये भी हो गया पोस्ट मर्जर गेन और लॉस एंड ईपीएस। ईपीएस में गेन और लॉस कितना हुआ तो देख लो, पहले ईपीएस कितना, पहले ईपीएस कितना था 8.34, अब ईपीएस कितना पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाला होगा आपने, यहाँ कहीं निकाला था ना 8.34, ये पहले का है X लिमिटेड का, ठीक है, और Y लिमिटेड का ये गड़बड़ है भाई, ये आएगा 6.03, यहाँ मिस्टेक किया हुआ है। ऐसे ही X लिमिटेड का पहले EPS था 4.74, अब यहाँ आएगा 6.03 into equivalent करना पड़ेगा 1.427, यहाँ मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, आप ठीक कर लीजिएगा, 6.03 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप गेन या लॉस निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट तो आपके पहले से किए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला जो है ना ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, बस ये जो टर्नओवर रेशो दिया ना उसको यूज करके आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना था, ये इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी थी, बाकी और कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, चले अगले क्वेश्चन पे। यस, ये लो भाई अगला क्वेश्चन, ये है बी, और ये बी का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करके एक टॉपिक है आपका, वहां से क्वेश्चन उठाया गया। देखते क्वेश्चन में क्या बात है, लिखा है वंडरलैंड लिमिटेड एक्सेस कैश, बोले 20 लाख रुपए कैश पड़ा भाई एक्सेस, ठीक है, और आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और खर्च कितना आएगा, बोले 50,000 का खर्च आएगा, और आप कितना कमाना चाहते हो, 9% कमाना चाहते हो, तो कंपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल यील्ड कितना, 9%, मतलब 9% मिलेगा, इट मींस अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा लगाते हो तो आपको 9% की कमाई होगी, ठीक है, खर्च भी आएगा 50,000। बोले बताइए कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करें कि हमें रिटर्न कितना मिल जाए, 5%, कितने का, 20 लाख का 5% कितना होता है, 1 लाख। तो अब सुनो बिल्कुल सिंपल है, 20 लाख खर्च करना है, कितना ब्याज मिलेगा, 9%, 9/100, कितने पीरियड के लिए, इसको एक्स ले लो, और जो भी आएगी कमाई उसमें से कितना माइनस कर दो, 50,000 माइनस कर दो, और उसके बाद हमारे पास भाई कमाई कितने की होना चाहिए, 1 लाख की कमाई होना चाहिए, सब कुछ खर्चे वर्चे सब घटाने के बाद, ठीक है, 5% की कमाई होना चाहिए, मतलब 1 लाख की कमाई होना चाहिए, तो क्या एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ सर, कितने मंथ आ गए, 3.33 मंथ्स, ठीक है, सिंपल है, कुछ था नहीं इसमें, सॉरी 10 मंथ, और दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि नहीं हमें क्या चाहिए, द मिनिमम पीरियड फॉर द, हमें बोले ब्रेक इवन चाहिए, जो 50,000 का खर्चा है ना बस उतना निकल जाए, बात खत्म, तो और कोई दिक्कत नहीं, यहां जीरो कर दो तो यहां कितना जाएगा, 3.33 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें मुझे कुछ समझाने वाली बात थी, ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4, ये ले लो भाई 4, चेक करते क्या ये क्वेश्चन फैक्टरिंग का है, फैक्टरिंग, ओके सर, फैक्टरिंग का क्वेश्चन, फैक्टरिंग का एक काम करता हूँ, फैक्टरिंग और इससे पहले वाला क्वेश्चन था मनी मार्केट वाला, ये दोनों क्वेश्चन मेरे डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ तो यूट्यूब चैनल में डले हुए हैं, तो इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसके ऊपर वाला का भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो क्या है, बोले कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर कितना है 4.80 करोड़, और बोले 25% से बढ़ जाएगा, तो 4.80 को 25% से बढ़ा दो, 4.8 + 25%, मतलब 6 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। क्रेडिट पीरियड कितना है, 90 डेज, इसका मतलब डेटर्स, आपका पैसा जो ब्लॉक हो रहा है वो कितना हो रहा है, एवरेज डेटर्स निकाल सकते हो, 6 करोड़ × 90 / 360, और पास्ट एक्सपीरियंस है कि हमारा 1.75% ऑन सेल्स बैड डेट्स होता है, पैसा डूबता डूबता, ठीक है, और जो कलेक्शन का खर्चा कितना आता, वो आता 6 लाख रुपए का खर्चा आता है कलेक्शन का, ठीक है। अब आपके पास इट हैज डिसाइडेड टू टेक फैक्टरिंग सर्विस, लेना चाहते हो, 2% कमीशन लगेगा और 20% रिस्क विथ रिकोर्स, सर 20% विथ रिस्क, एक बात बताऊं, पैसा अगर डूबता है
फैक्टरिंग आइडिया है, मुझे ये मत समझना कि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर पैसा डूबता है तो रिस्क किसका, कंपनी का, उसको जो बर्डन है वो कौन झेलेगा, कंपनी या फिर आपका फैक्टरिंग एजेंसी। अगर पैसा डूबता है तो जिम्मेदारी किसकी, डिपेंड करता रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स। अगर रिकोर्स है तो सीधी सी बात है, रिकोर्स में क्या होता है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स, विथ रिकोर्स 20%। इसका मतलब अगर पैसा डूबा तो सामने वाला हमारे पास आ जाएगा, मतलब कंपनी से, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे, नॉन रिकोर्स का मतलब है कि कंपनी का टेंशन खत्म, पैसा डूबा तो फैक्टरिंग का। तो अगर मैं देखा जाए तो यहां 20% रिस्क विथ रिकोर्स, इसका मतलब है कि कंपनी का रिस्क है अभी भी बैड डेट्स पे, पर कितने परसेंट का रिस्क है, 20% का टेंशन ही खत्म। जो पैसा डूबेगा 80% कौन बियर करेगा, फैक्टर, और 20% कौन बियर करेगा। तो फैक्टरिंग की सर्विस लेने से मुझे बैड डेट्स का फायदा है, लेकिन सिर्फ कितने परसेंट का, 80% का रिस्क खत्म हो गया। द फैक्टर विल पे एडवांस, कितना परसेंट एडवांस देने को तैयार हो गया, 10% रिजर्व, पूरा थोड़ी देगा, तो 80% देगा, पर इंटरेस्ट भी तो लेगा, कितना परसेंट, 16%। क्या निकालना, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टर। हालांकि ये क्वेश्चन करवाने का मेरा अपना तरीका, अपना मेथड है, और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, और उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बना लो, बिल्कुल सिंपल है, पर चूंकि यहां सजेस्टेड आंसर, तो इसी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, ओके सर, क्या है जरा देख लेते हैं। 4.8 करोड़ को 25% से बढ़ाया तो 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। पैसा कितना ब्लॉक हो रहा है, 6 करोड़ × 90 / 150 लाख, दैट इज मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो अब मैं फैक्टर से पैसे मांगने जा रहा हूं कि भाई सर जी 150 लाख रुपए तो दे दो मुझे। तो बोले नहीं, हम पूरा पैसे थोड़ी देंगे। इट मीन्स वो रिजर्व कितना रखेंगे, 10%, मतलब 15 लाख। तो कितना, मैं कहता हूं ठीक है जी 135 लाख दे दो, बात खत्म, एडवांस मुझे 135 लाख चाहिए। वो कहेंगे कि 135 लाख दे सकते हैं, लेकिन फैक्टर को कमीशन भी तो देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कमीशन ले लेना बाद में। बोले बाद में नहीं, हम अभी अभी चाहिए, अभी तो है नहीं, उसी में से काट लो जो आप एडवांस देने वाले उसी में से। तो 2% कमीशन, और कमीशन हमेशा किसका लगेगा, कमीशन तो पूरा जो डेटर है उस पे लगेगा। तो 150 लाख का 2% कितना आ गया, 3 लाख, कमीशन और कलेक्शन वगैरह के लिए होता है। हमने कहा ठीक है सर जी 132 लाख तो दे दीजिए, 132 लाख एडवांस। बोले एडवांस में इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट जो लगेगा वो तो लास्ट में ना। बोले नहीं, हमारी पॉलिसी है कि अप फ्रंट, ठीक है वो भी काटो। तो 132 लाख का 90 दिन का 16% इंटरेस्ट काटने के बाद मुझे एडवांस मिलेगा, एडवांस 126.72 लाख। ठीक है, कॉस्ट कितना पड़ा सर जी, एक तो कमीशन 12 लाख साल भर का, 6 करोड़, पूरा 6 करोड़ का 2%। इसके अलावा इंटरेस्ट 5.28 लाख है, 5.28 लाख यहां निकला था ना, 5.28 लाख, 5.28 लाख, पर ये 5.28 लाख जो है वो 90 डेज का, तो 360 डेज का कितना, तो इस तरह से यहां काम हो गया। तो ये साल भर का आपका कॉस्ट पड़ा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट बच जाएगा 6 लाख, और साथ में आपका बैड डेट्स भी तो बचेगा। बैड डेट्स कितना, 600 लाख का 1.75%, लेकिन सिर्फ कितना सेविंग होगा, 80%, ये बात मैं डिस्कस कर चुका। इट मींस 8.4 का आपका बैड डेट्स भी सेव हो जाएगा। तो टोटल ये सेविंग है, इसमें से ये माइनस कर दिया तो नेट कॉस्ट इतना पड़ रहा है, और ये इफेक्टिव कॉस्ट आ गया 4.77%। अब कुछ बच्चों के मन में ना अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं तो बड़ा डाउट आता है। डाउट क्या आता मालूम, बिल्कुल बेकार का, बेवकूफी वाला डाउट, सर सर ये जो इफेक्टिव कॉस्ट है ये तो साल भर का है जी, और सर ये एडवांस है, नहीं ये तो 90 दिन का है, तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, ये एडवांस है अपना 90 डेज का, और ये बेकार की बात है बेटे। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो सर जी फिर तो आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, और लेक्चर मैं आपको कहाँ दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप पूरा फैक्टरिंग का लेक्चर ही डला हुआ है, सारे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन है, तो आप वो देख सकते हैं। ओके सर, दिस इज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा ये 4B।
चलो क्या लिखा है, फ्यूचर का क्वेश्चन है ये आपका, कमोडिटी फ्यूचर का क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। राइस ट्रेडर हैज प्लान टू सेल 22,000 केजी ऑफ राइस आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइस ट्रेडर है उसको क्या करना है, उसको भाई क्या बेचना है इसमें, राइस बेचना, राइस ट्रेडर राइस ही बेचना। कब बेचना, 3 महीने बाद। उसको डर तो है, अभी सर अभी बेच देना दिक्कत क्या भाई, अभी फसल ही नहीं आई होगी, 3 महीने बाद बेचना तो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये कहीं रेट कम ना हो जाए, किस बात का डर, कहीं रेट कम ना हो जाए। मैं मार्केट में बेचने को तैयार हूँ पर बेचूंगा 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद रेट कम हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो एक काम करो ना, मार्केट में हो जाने दो रेट कम, आप स्टॉक एक्सचेंज जाओ और वहां शर्त लगा लो, बैटिंग कर लो। किस बात की बैटिंग, आपको किस बात का डर है? सर डर ये है कहीं रेट कम ना हो जाए, तो डाउनसाइड बैटिंग कर लो, डाउनसाइड बैटिंग कर लीजिए। फ्यूचर में रेट कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत की, सस्ते में बेच देना, पर वो जो डिफरेंस है वो इधर से, क्योंकि इधर स्टॉक मार्केट से जीत जाओगे आप तो वो पैसा मिल जाएगा। दिस इज फ्यूचर, डिटेल में समझाया हूं। देखते क्या, स्पॉट प्राइस ऑफ राइस अभी का कितना प्राइस चल रहा है, 60 रुपए, और 3 महीने बाद 3 मंथ जो है वो 59 पर केजी। ठीक है, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 1000 केजी। द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एज लो 56 पर केजी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 59 से 56 होगा ना, तो 56 इधर बेच देंगे और इधर फ्यूचर मार्केट से 3 रुपए की रिकवरी हो जाएगी। ओके, 3 मंथ्स हेंस, ठीक है 3 महीने बाद, व्हाट द ट्रेडर कैन डू टू मिटिगेट इट्स रिस्क टू रिड्यूस प्रॉफिट इफ ही डिसाइड्स टू मेक यूज ऑफ फ्यूचर मार्केट, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रियलाइज्ड फॉर इट्स सेल्फ एंड आफ्टर 3 मंथ्स। स्पॉट प्राइस 57 पर केजी एंड फ्यूचर, ये बाद में समझेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। लिखा ट्रेडर रिस्क कैसे कम कर सकता, बोल रहा सेलिंग फ्यूचर, वो जाने तो सीधी सीधी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कौन से डाउनसाइड बैटिंग करेगा, डाउनसाइड बैटिंग करेगा तो अगर रेट 56 हो गया तो 3 रुपए का फायदा होगा, 22,000 केजी पे तो 66,000 रुपए मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, ये स्टॉक मार्केट से, और 22,000 केजी आपको बेचना पड़ेगा 56 का मार्केट में, तो इतना रुपए मिलेगा, तो 12,32,000 ये मिलेगा और फ्यूचर मार्केट से 66,000 रुपए ये मिल जाएगा, तो आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा, 1,298,000। और आप 22,000 केजी है तो 1 केजी से आपको रियलाइज कितना हो जाएगा, 59, जितने का उतना। बात यही है, फ्यूचर में तो यही फायदा है कि जो भी डिफरेंस होगा मुझे इधर से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिस्क को खत्म कर सकते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि 56 ही हो जाए। बेटे अब सुनना ध्यान से, अगर आपने बैटिंग कर लिया, क्या बैटिंग किया, 59 से कम जाएगा फ्यूचर मार्केट में, डाउनसाइड बैटिंग 59 से कम जाएगा तो उस पर मैंने बैटिंग कर लिया, मेरा फायदा हो जाएगा। बोले किस्मत से मार्केट में कितना हो गया रेट, 57, और फ्यूचर का रेट कितना हो गया, 55। अब सुनना, क्या फ्यूचर मार्केट में 59 से कम हुआ, हाँ 58 हो गया, तो उधर से मेरा कितने का फायदा, 1 रुपए का 1 केजी पे, और मुझे मेरे पास जो राइस है उसको बेचना पड़ेगा मार्केट में, क्या है एक्चुअल में रेट, 57, तो 57 के हिसाब से बेच देंगे। तो बोले बताओ क्या होगा, देख लेते हैं, फ्यूचर मार्केट से कितने का फायदा, 22,000 रुपए का फायदा, और राइस बेचना पड़ेगा 57 के हिसाब से तो इतना पैसा मिलेगा, तो टोटल मिलाकर इतना पैसा मिलेगा, और इतना पैसा मिला 22,000 केजी पे, तो 1 केजी का रेट कितना आ गया, 58 रुपीज आ गया। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मैनुअल से ही उठाया गया है, तो पीएम का क्वेश्चन था, और यहाँ तक हमारी बात खत्म हो चुकी है। इट मीन्स हम कहाँ कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये आपका बॉन्ड ड्यूरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है,